हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल लाइफ 65। आज हम थोड़ा कुछ नया कर रहा हूँ, मतलब मैं आज वीडियो में कुछ नया करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी वाइफ तो हम लोगों को खिलाती रहती है खाना बना के बढ़िया बढ़िया। आज थोड़ा फ्राइडे नाइट है और मैं जल्दी फ्री हो गया हूँ काम से, तो मैंने सोचा कि मैं आज ट्राई करता हूँ बनाने का शाही पनीर। छोटी मोटी सब्जी आलू वगैरह तो बना लेता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आज ट्राई करता हूँ शाही पनीर बनाने का, देखते हैं कैसा बनता है। और मैं ट्राई करूंगा कि मुझे प्रिया से हेल्प ना लेनी पड़े किसी भी चीज के लिए, लेकिन अगर कुछ लेना पड़ा, कुछ भी डाउट हुआ मुझे, तो प्रिया मुझे पीछे से गाइड कर देगी। ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया है इस कढ़ाई में सरसों का तेल। हाँ। देखो आज कैमरा पर्सन प्रिया है पूरी वीडियो की। तो हमने ले लिया सरसों का तेल और इसे हम हल्की सी आंच में पहले थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इतना हम डालेंगे इसमें जीरा और डालेंगे हम काली मिर्च और हम डालेंगे तेज पत्ता और थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे हरी इलायची और इलायची भी डाल देंगे। हाँ। तो इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा जीरा, इतना काफी है? इतना काफी है। तो हम डाल देंगे ये जीरा इसमें क्योंकि तेल गर्म हो चुका है थोड़ा बहुत, ये हमने डाल दिया इसमें। थोड़ा गैस तेज कर दोगे? हाँ बस इतना ठीक है अभी। और इसमें डाल देते हैं हम काली मिर्च, तो इसमें हमें जीरा और काली मिर्च और हरी इलायची इलायची डाल दी है। तो अब हम मैं डालने वाला हूँ इसमें ये तेज पत्ता। हाँ। ये मैं डाल दिया, अब थोड़ी देर चला देंगे इसको। गैस को जीरा थोड़ा हमारा ब्राउन हो चुका है, थोड़ा इसे बनने देंगे, थोड़ा सा ये अच्छे से भून जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बाकी चीजें जैसे कि प्याज हो गई, टमाटर का सब हो गया, प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो। हाँ, प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट हम लोगों ने पीस लिया है ऑलरेडी, वो रेडी है। इसमें से हम लोग निकाल के डालेंगे इसमें। तो अब हमने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट और थोड़ी देर चला लेंगे इसको। प्याज भुनने का टाइम लगता है और ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ मैं, ये सब मैंने रेसिपी में देख के बता रहा हूँ आपको, रेसिपी देखिए जैसा उसमें बोला है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मत सोच लेना आप लोग कि मैं इसमें प्रो हूँ खाना बनाने। तो जो चीज मुझे स्टेटमेंट याद रह गया ना उस वीडियो के, वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। थोड़ा से ये डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है ये। हाँ, कट पेस्ट नहीं कर सकते इसलिए कॉपी पेस्ट हो रहा है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आधी से ज्यादा जनता जो हमारी है ना वो देखती है, नॉन सब्सक्राइब जो अनसब्सक्राइब लोग हैं वो ज्यादा देखते हैं। तो यार सब्सक्राइब भी कर लो अगर कंटेंट पसंद आता है तो। 42% मैं लास्ट वीडियो को देख रहा था तो 42% लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब लोग हैं जो देख रहे हैं हमारी वीडियो। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए आपके लिए खाना बना रहे हैं। तो हमारा प्याज जो है पक चुका है और अब हम डालेंगे इसमें टोमेटो का जो हम लोगों ने रस बना के रखा है पूरा, टोमेटो प्यूरी, टोमेटो प्यूरी जो इसका साइंटिफिक नेम है टोमेटो प्यूरी है। किचन के वर्ड्स में इसका साइंटिफिक नेम टोमेटो प्यूरी है, इसको मैं डाल रहा हूँ। हाँ। अब इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मेरे को तो अभी से मजा आ रहा है। इसमें टोमेटो के साथ क्या पीसा था? टोमेटो और मिर्च। हाँ। एक लाल मिर्च मैंने साथ में पीसी थी इसकी। मतलब वो हरी मिर्च। हाँ। तो इसलिए अब हम लाल वाली मिर्च थोड़ी सी कम डालेंगे। हाँ, अब थोड़ी देर और पकने देते हैं। और थोड़ा पकने के बाद अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे
थोड़ा सा दही, दही डालने के बाद हम बाकी थोड़े बहुत मसाले जो है हमारी हल्दी है, मिर्च है और बाकी ये हरा धनिया है वो सब डालेंगे, और उसके बाद लास्ट में डालेंगे पनीर, और पनीर डालने के बाद सब कुछ डालने के बाद हम डालेंगे इसमें काजू का पेस्ट जो हमने तैयार किया है वो डालेंगे, और डालेंगे हम लोग थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा दूध। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये हमारा काजू का पेस्ट रेडी है और ये एकदम बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा मोटा अच्छा लगता है, और ये मलाई और दूध है, ये हमारा दही है। तो ये हमारे मिस्टर शेफ शंकर शर्मा हैं। देखो कलर अच्छा आ रहा है, हाँ बढ़िया। इसमें हम लोगों ने डाल दिया है अभी हल्दी और धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, ठीक है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालते रहो। देखो हमारी ग्रेवी जो है थिक हो रही है, इसको हम प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। तो मुझे क्वांटिटी का थोड़ा आइडिया नहीं था, तो मैंने प्रिया से पूछ लिया ऑफ कैमरा। अभी जो ग्रेवी है हमारी ना थोड़ी बहुत थिक होती जा रही है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा कर्ड। तो चलो ऐड करते हैं, ये देखो कर्ड निकाल के रखा है हम लोगों ने, अब इसमें कर्ड ऐड कर देंगे वाला। तो कर्ड हमने इसमें ऐड कर दिया, देखो गाइस अब ये मतलब दही डालने के बाद ऐसा कुछ टेक्सचर आएगा इसका, इसको पकने देना है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी ग्रेवी और ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम लोग डालेंगे अपने कटे हुए पनीर। तो चलो अब हम थोड़े पनीर काट लेते हैं, पनीर हाँ, पीसेस काट लेते हैं। तो खाली स्क्वायर में करवा है, अभी इसको और पीसेस करके पनीर छोड़ देते हैं। तो अब हम लोगों ने ये पनीर क्यूब्स रेडी कर लिए, अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाए, शुगर के बाद हम लोग डालेंगे ये पनीर क्यूब्स। अच्छा याद दिलाया, और हम डालेंगे शुगर इसमें, एक चम्मच शुगर ऐड करते हैं क्योंकि हमारी ग्रेवी तो देखिए खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है और पक भी चुकी है। बस ज़्यादा मीठा नहीं, शुगर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो चीनी पड़ चुकी है इसमें, चीनी पड़ने के बाद अब हम डालेंगे इसमें ये पनीर क्यूब्स, ठीक है, डालते हैं। हाँ एंगल नहीं आ रहा कैमरे का, यहाँ से आएगा, हाँ ये हमारा कैमरा मैन है ना, हम लोग को डायरेक्शन सही नहीं दे रहा। अच्छा और क्या, वाओ कितना अच्छा लग रहा है पनीर, ऐसी खाने का मन कर रहा है। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जितने भी हमारे पनीर क्यूब हैं वो सब अच्छे से मसाले में जो है मिक्स हो जाए, और थोड़ी देर पकने देंगे, थोड़ा सा पानी भी लगाएंगे और थोड़ा पानी डालेंगे इसमें भी। और फिर अभी हमारा क्या क्या बचा है, अभी हमारा बचा है काजू पेस्ट और ये मलाई और कसूरी मेथी, अब इसे बस पानी डाल देते हैं, थोड़ा पानी और डालते हैं इसमें और पकने देंगे। अब हमने डाल दिया इसमें पानी, जितना पानी जरूरत था वो डाल दिया, अब हम थोड़ी देर से ढक देंगे और फिर पकने देंगे। तो हमारे ये पनीर के पीस मसाले के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो अब इसे कवर कर दें। हाँ, मिस्टर शेफ कर देते हैं कवर। चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम बोलो। तो ये अब इसमें इन्होंने काजू का पेस्ट भी डाल दिया और मलाई भी डाल दी, देखिए हमारा टेक्सचर और कलर आ चुका है, अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे कवर करके, और अभी ये इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी, ये कसूरी मेथी है, डाल दो। हाँ डाल दो, ये लास्ट में डाली जाती है खुशबू के लिए, स्वाद के लिए। तो अब हम इसे एकदम धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए कवर करके पकने देते हैं।
तो ये देखिए हमारी पनीर की सब्जी पक चुकी है। मलाई और क्रीम डाल के ये इन्होंने चला दी। तो ये देखिए खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और हमारे को लग रहा है पनीर में भी अच्छे से मसाला पूरा मिक्स हो चुका है और शाही पनीर ने अपना कलर भी ले लिया है। तो अब हम अपनी गैस बंद कर देते हैं। तो हमारा शाही पनीर मेड बाय शेफ शंकर शर्मा तैयार है।